नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स की या द्रव क्रिस्टल्स की। द्रव एक अलग अवस्था है, क्रिस्टल एक अलग अवस्था है, और अब ये एक नया शब्द द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल्स का सामने आता है। तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस लिक्विड क्रिस्टल को हम द्रव क्रिस्टल हिंदी में, या इसको मेसोमॉर्फिक स्टेट, मेसोमॉर्फिक अवस्था, या मध्य आकृतिक अवस्था, इन नामों से इसको हम जानते हैं। लिक्विड क्रिस्टल अधिक उपयोग में लाया जाता है, कॉमन शब्द है। तो सामान्य रूप से यदि आप देखें, जानते हैं कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तब क्या होता है, द्रव अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है, गलनांक बिंदु पर, जिसे हम गलन कहते हैं या गलनांक कहते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे पाए गए जो कि गर्म करने पर सीधे ही द्रव में परिवर्तित नहीं होते, बल्कि उससे पूर्व एक गाढ़े द्रव में, या जिसको हम आविल द्रव भी कहते हैं या टर्बिड लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में, तो गलने से पहले वो एक गाढ़े द्रव में या टर्बिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब इसको थोड़ा सा और गर्म करते हैं तब वह स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होते हैं। गलनांक में क्या है, हम कहते हैं कि वो ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, और वो द्रव अवस्था क्लियर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कुछ पदार्थ, सारे नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे पाए गए, कुछ कंपाउंड्स ऐसे पाए गए जिनमें, क्योंकि ठोस थे लेकिन गर्म करने पर द्रव अवस्था सीधे प्राप्त नहीं हुई, बल्कि एक पहले बीच में अन्य अवस्था, जिसको कि हम आविल द्रव या गाढ़ा द्रव या टर्बिड लिक्विड कह सकते हैं, वो पाई गई। अर्थात ठोस अवस्था, इसको गर्म करने पर बीच में एक ये द्रव क्रिस्टल की अवस्था या मेसोमॉर्फिक स्टेट, और इसको जब हम गर्म करते हैं तब वो लिक्विड में परिवर्तित हुआ, और लिक्विड से आगे गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित होता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तो हम अवस्थाएं पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस ठोस और द्रव के बीच में एक मेसोमॉर्फिक स्टेट की अवस्था कुछ कंपाउंड्स में और पाई गई। उल्टा चले तो गैस को यदि हम ठंडा करें तो लिक्विड बदलेगा, लिक्विड को और ठंडा करें तो वो मेसोमॉर्फिक स्टेट आती है, और फिर उसके बाद वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो चाहे हम इस डायरेक्शन में जाएं और चाहे हम इसको ठंडा करके पीछे के डायरेक्शन में आए, उन विशेष पदार्थों में हमको मेसोमॉर्फिक स्टेट मिलती है। तो ये जो एक इंटरमीडिएट स्टेट है बीच में, ठीक है, जिसको मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं, इसे ही हम द्रव क्रिस्टल के रूप में जानते हैं या मध्य आकृतिक अवस्था के रूप में जानते हैं। इस अवस्था में कुछ गुणधर्म तो क्रिस्टली ठोस की तरह होते हैं और कुछ द्रव की तरह होते हैं, और इसीलिए इनको द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है, ठीक है। कोई इसका ये कोई संतोषजनक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी चलन में इसको हम लिक्विड क्रिस्टल कह देते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल नहीं है, ये द्रव का ही एक हिस्सा है, लेकिन प्रचलन में द्रव क्रिस्टल शब्द अधिक है। इनफैक्ट ये मेसोमॉर्फिक स्टेट है या मध्य आकर्षक अवस्था है, ठीक है। इसको तो हम क्रिस्टलीय द्रव या
कहीं कहीं इसको विषम दैशिक द्रव या पैराक्रिस्टल या सैक्रिस्टल कई नामों से इसको हम देख सकते हैं लिखा हुआ। तो ये एक डायग्राम फेज डायग्राम कहलाता है। ये अगर आपने कहीं पढ़ा हो, ये जल के लिए है, ठीक है। ये ठोस की अवस्था, ये लिक्विड की अवस्था और ये गैस की अवस्था, ये एक कर्व है और ये यहां पर एक ट्रिपल पॉइंट है। तो तापमान ये टेम्परेचर है। यदि हम यहां पर हैं और यहां से सीधे तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। और यदि हम यहां कहीं पर हैं और तापमान बढ़ाते हैं तो सॉलिड से हम पहले तो लिक्विड अवस्था में पहुंचते हैं और फिर लिक्विड से गैस अवस्था में पहुंचते हैं। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट है, इस ट्रिपल पॉइंट से ऊपर यदि हम हैं और जल ट्रिपल पॉइंट से ऊपर रहता है, या ये कह लीजिए कि ट्रिपल पॉइंट सामान्य अवस्था से नीचे है, इसीलिए जब हम उसको गर्म करते हैं तब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में परिवर्तित होता है। ये भी एक यहां पर पॉइंट नोट करने की है, यदि किसी पदार्थ का ट्रिपल पॉइंट ऊपर है सामान्य जो टेम्परेचर और प्रेशर है या सामान्य अवस्था है जिस पर कि हम लोग हैं, क्या मान के चलते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यदि ये ट्रिपल पॉइंट उससे कम है एनटीपी से, तब तो हमें तीन अवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन अगर ट्रिपल पॉइंट ऊपर है तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ को गर्म करने पर लिक्विड अवस्था नहीं मिलेगी, बल्कि सॉलिड अवस्था सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो सब्लिमेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि उनका ट्रिपल पॉइंट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर से क्या होगा, अधिक होगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड फेज की, इसमें द्रव क्रिस्टल्स की। तो द्रव क्रिस्टल्स की अवस्था में यहां पर एक बीच में अवस्था हमको और मिल जाती है। तो यहां पर जब हम उसको गर्म करते हैं तब सॉलिड अवस्था से पहले तो वो लिक्विड क्रिस्टल की अवस्था में जाता है और फिर इसके बाद लिक्विड अवस्था में जाता है और फिर गर्म करने पर गैसियस अवस्था में जाता है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं। तो यहां पर फेज डायग्राम में हमें एक, यानी ये ट्रिपल पॉइंट है, तो एक ट्रिपल पॉइंट हमको और मिल जाता है, यानी दो ट्रिपल पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फेज डायग्राम में उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है, ये लिक्विड क्रिस्टल वाला या ये जो इफेक्ट है, ये सबसे पहले एक कंपाउंड कोलेस्ट्रियल बेंजोएट में देखा गया, जिसका फॉर्मूला है C6H5COOC27H45। इस कंपाउंड में इस प्रभाव को सबसे पहले देखा गया, ठीक है, पैरा कोलेस्ट्रियल बेंजोएट, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो ये जब सॉलिड अवस्था में होता है और इसको गर्म किया गया तब 145 डिग्री पर वो पहले इसमें मिजोमॉर्फिक स्टेट में बना, यानी सॉलिड अवस्था से वो खत्म हो गया और लिक्विड अवस्था में भी कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि वो एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट आ गई, मिजोमॉर्फिक स्टेट आ गई। तो ये जो हमारा फिर ताप कहलाएगा वो संक्रमण ताप कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा, क्योंकि यहां पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज आया, संक्रमण आया, या यू कह लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले उसको बीच में एक अवस्था और आ गई, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हुआ। तो यदि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर हमको बीच में कोई और अवस्था आ जाती है तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं।
तो उसी तरीके से यहां पर भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड कब बनता है, ये बना 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये मिजोमॉर्फिक स्टेट में परिवर्तित हुआ, और 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लिक्विड में परिवर्तित हो गया। तो यदि हम इसको गलनांक कहेंगे तो वो होगा 178, लेकिन द्रव में परिवर्तित होने से पहले बीच में 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो एक दूसरी स्टेट, मिजोमॉर्फिक स्टेट में आ जाता है। तो ये हमारा 145 डिग्री इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा, या ये अवस्था जो बीच वाली है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं। तो ये प्रभाव रखने वाले पदार्थ सामान्यतया लंबी श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखिए यहां पर जैसे बताया ना C27, H45, तो ये एक लंबी श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक है। तो सभी नहीं देंगे, लेकिन जो दे रहे हैं या जिनमें ये प्रभाव देखा गया वो में सामान्यतः लंबी कार्बन की श्रृंखला पाई गई, और अंत में क्या है उनके एक सक्रिय समूह, जैसे OR, COOR, NHR, ये कुछ सक्रिय ग्रुप उनमें हो सकते हैं, या कम सक्रिय ग्रुप इस तरीके से डबल बॉन्ड CN या CC आदि उपस्थित हो सकते हैं। और यदि उसमें कहीं बेंजीन साथ में है, जुड़ी हुई है, तो ऐसी अवस्था में उसका पैरा आइसोमर यही सिर्फ मध्य आकृतिक अवस्था या लिक्विड क्रिस्टल को दिखाएगा। तो ये भी अपने को ध्यान में रखने की बात है कि यदि किसी कंपाउंड में बेंजीन वलय है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है या बनता है, बेंजीन वलय है तो हम जानते हैं कि उसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा तीन अवस्थाएं या होती हैं, तीन आइसोमर्स बनते हैं। तो ऐसी अवस्था में पैरा आइसोमर ही लिक्विड क्रिस्टल दिखाएगा, ऑर्थो और मेटा आइसोमर ये सामान्यतः गुणधर्म नहीं दिखाते। ठीक है, तो इसके कई और एग्जाम्पल हैं, जैसे ये पैरा कोलेस्ट्रॉल का आपको बताई 145 और 178 पर, दूसरा ये है पैरा एजॉक्सी एनिसोल, इसका क्या है 116 और 135। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए सब उनके स्ट्रक्चर भी मैंने लिख रखे हैं, पैरा एजॉक्सी फेनिटोल ये आपका 137 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, और 167 उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, पैरा मिथॉक्सी सिनेमिक एसिड। ठीक है, एनिसोल डेजीन क्या ये, एनिसोल डेजीन 165 और 180। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई एक ही यौगिक है, कई यौगिक इस तरीके के प्रभाव दिखाते हैं, और उन सबको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कह सकते हैं। पैरा एथाइल, पैरा जॉक्सी बेंजोएट, ये देखिए कई सारे इसमें मैंने एग्जाम्पल्स कोट किए हुए हैं। ये पदार्थ अधिक स्थायी होते हैं और गर्म करने पर विघटित नहीं होते, बल्कि वो और द्रव में प्रवर्तित होते हैं। लेकिन ये भी क्योंकि द्रव की ही अवस्था है एक, तो इसलिए द्रवों की भांति ही ये गतिशील भी होते हैं, यानी सॉलिड तो गतिशील नहीं होगा लेकिन लिक्विड गतिशील होता है और ये भी गतिशील होता है, तो इसलिए वो एक तरीके से लिक्विड की अवस्था है। तो उससे मोबिलिटी भी होती है, तरलता भी होती है, श्यानता भी होती है, पृष्ठ तनाव भी होता है, तो ये सारे गुणधर्म हमारे लिक्विड्स वाले हैं। ठीक है, लेकिन ठोस वास में क्या गुणधर्म आता है कि क्रिस्टल की भांति ये विषम दर्शकता दिखाते हैं और डबल डिफ्रेक्शन दिखाते हैं। तो जब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां विषम दर्शकता और समदर्शकता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुछ गुणधर्म उसके सॉलिड के हैं और कुछ गुणधर्म, या कह लीजिए कि अधिकतर गुणधर्म द्रवों के हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में हम इसको द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल्स कह लेते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ कार्बनिक पदार्थ, सारे नहीं, कुछ कार्बनिक पदार्थ जो कि लंबी श्रृंखला के थे और जिनके अंत में एक फंक्शनल ग्रुप या एक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी था,
उन कुछ पदार्थों में ये देखा गया कि उनको गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होने से पूर्व एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, संक्रमण अवस्था आती है, जिसको कि मेसोमॉर्फिक स्टेट कहा जाता है, जहां पर द्रव पूरी तरीके से जो पदार्थ है, सॉलिड अवस्था है, वो पूरी तरीके से द्रव में परिवर्तित नहीं होती, एक गाढ़ा आविल द्रव या टर्बिड लिक्विड प्राप्त होता है और थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाने पर वो क्लियर लिक्विड में या द्रव में, स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कि हम गलनांक या उसका गलन कहते हैं। तो ये अवस्था ठोस और द्रव के बीच की एक अवस्था है, इसलिए इसको द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल्स कहा गया।